बात हो रही है तो क्यों ना तुम सब मेरे घर चलो, हम वहाँ कोई गेम खेलेंगे। हाँ ठीक है, अच्छा आइडिया है। गेम्स खेलने में तो मजा आता है पर वो इतने आसान होते हैं कि मैं बोर हो जाता हूँ। अच्छा तो ये बात है। वो इसलिए क्योंकि तुम बहुत होशियार हो देखी सुगी। अरे नहीं शिजुका, ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं ऐसी ही बात है। नहीं तुम तो यूं ही मेरी तारीफ कर रही हो। खेलने में मजा तो आता है पर वो इतने आसान होते हैं कि। अरे नहीं ओ, मुझे उससे सख्त नफरत है। मैं ऐसा करूँगा, मैं उसे खेलने के लिए एक बहुत ही मुश्किल गेम दूंगा। मैं घर आ गया। डोरेमोन ट्रेजर्स ऑफ द फायर ड्रैगन। वाओ ये क्या है? ये आखिर मैं फायर ड्रैगन के कैसल में पहुंच ही गया और मुझे वो मिल गया जो मुझे चाहिए था, एक पीन जैम्बन। डोरेमोन ये बताओ ये क्या है? इसे कहते हैं गेम बुक। क्या कहा, गेम बुक? ये किस तरह का गेम होता है? इसके आखिरी पन्ने पर तुम्हें कोई कीमती चीज रखनी होगी जिसे कहा जाएगा तुम्हारा खजाना, और उस खजाने को पाने के लिए तुम्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब मैं अपने बीन जैम्बन के खजाने को खाऊंगा। मुझे ये बीन जैम्बन बहुत पसंद है। इतनी मेहनत करने के बाद ये और भी टेस्टी लग रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये काम कैसे करेगा, पर हे डोरेमोन क्या ये गेम मुश्किल है? हाँ नोबिता ये बहुत मुश्किल है। अगर तुम इस गेम को हार गए तो इतना समझ लो कि वापस नहीं आ पाओगे। क्या तुम सच कह रहे हो? हे, क्या मैं अपने सारे दोस्तों को बुला सकता हूँ? हाँ जरूर बुलाओ। ठीक है। हेलो शिजुका, सुनो मेरे पास एक बहुत ही मजेदार गेम है, तो क्या तुम आ रही हो? और आते हुए रास्ते में क्या तुम जियान और सुनियो को भी ले आओगी? और हाँ क्या कहा, देखी सुगी क्या इस वक्त तुम्हारे घर पर आया हुआ है? अच्छा ठीक है। वो डेकी सुगी भी हमेशा शिजुका के घर पर पड़ा रहता है। मैं उससे कभी हार नहीं सकता। जीतने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मैं जरूर जीतूंगा। सुनो डोरेमोन, मैं किसी भी हालत में डेकी सुगी से हारना नहीं चाहता। मुझे कोई आसान सा शॉर्टकट बताओ जिससे मैं डेकी सुगी को हरा पाऊँ। प्लीज बताओ ना। तुम कोई चीटिंग नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं, जरा भी नहीं। प्लीज डोरेमोन अब मान भी जाओ ना। हे नोबिता, वो लोग आ गए। प्लीज डोरेमोन। नहीं ओ, मुझे अभी अभी कुछ काम याद आ गया है। डोरेमोन उन्हें ऊपर ले आना। हाय हाय डोरेमोन, हम नोबिता के बुलाने पर आए हैं। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक बढ़िया गेम है। मिल गई गेम। हम ले आए हैं। जरूर वो आ गए। ओ हाय दोस्तों, यही वो गेम है? हाँ यही वो गेम है। तुम्हें ये बता दूं कि ये बहुत मुश्किल गेम है जिसमें बहुत सारे खतरे हैं। अगर कोई भी गलती की तो इसमें से बाहर निकलना नामुमकिन है। जानते हो ये बहुत ही डरावना गेम है। बहुत मजा आएगा, चलो ट्राई करते हैं। मैं तो एक बहुत ही मुश्किल गेम खेलना चाहूँगा। मैं नहीं खेलूंगी, मुझे डर लग रहा है। एक बढ़िया आइडिया है, शिजुका को मैं आखिरी पन्ने में भेजूंगा और तुम लोगों में से किसी एक को उसे बचाना होगा। हाँ ये अच्छा रहेगा। तुम अंदर चले जाओ। शिजुका चलो। क्या यहाँ पर? ओ, हाँ बिल्कुल, तुम इंतजार करके देखो कि तुम्हें पहले कौन बचाने आएगा। ठीक है जैसा तुम कहो। अब तुम लोग अंदर जाओ। शिजुका को सबसे पहले बचाने वाला मैं ही रहूँगा। उसे मैं बचाऊंगा। तुम गलत सोचते हो। मुझे बहुत डर लग रहा है। हे, मेरे लिए रुको। तुम लोग अपनी पूरी कोशिश करना दोस्तों। मैं देखना चाहता हूँ कि अब क्या होने वाला है। हाँ मैं भी, और क्योंकि तुम मेरे साथ हो इसलिए मुझे डर भी नहीं लग रहा है। हाँ सुनियो, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। अगर तुम इस रास्ते से सीधे चले गए तो तुम्हें नजर आएगा फायर ड्रैगन कैसल, लेकिन तुम्हें वहाँ पहुँचने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना होगा और हिम्मत भी जुटानी होगी। ये काम बहुत मुश्किल है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ो। यहाँ का माहौल कितना शांत है ना दोस्तों? मैं सोच रहा था कि हम किस तरह की दुनिया देखेंगे। यहाँ तो कोई भी खतरा नजर नहीं आता।
देखो ये क्या है? उसने कहा खजाना। क्या हमें यहाँ पर डायमंड्स और रूबीज मिलेंगे? समझ नहीं आता कि इनके पीछे चला जाऊं या कोई सही रास्ता ढूंढूं। सही रास्ता ढूंढना होगा। मुझे ये भी याद रखना होगा कि मैं किस रास्ते से जा रहा हूँ। लगता है खजाना अंदर ही होगा। ये क्या, यहाँ पर तो सिर्फ गोल पत्थर पड़े हुए हैं। इनकी जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों तुम्हें पता है ये गेंशी एरा की करेंसी है। गोल्ड कॉइन्स उठाने में हल्की होती है पर ये बहुत भारी होते हैं। हमें इन्हें अपने साथ ले जाना चाहिए। ओफो, तुम कितने बुद्धू हो। खैर मैं आगे बढ़ूंगा। मैं बहुत तेज जाऊंगा इसलिए शिजुका के पास सबसे पहले मैं ही पहुंचूंगा। नोबिता, शायद तुम गलत रास्ते से जा रहे हो। मुझे लगता था कि मैं यहाँ से जल्दी पहुंचूंगा। अब हमें क्या करना चाहिए? देखो ये है तो बहुत कीमती और क्योंकि डेकी सुगी भी अपने साथ कुछ ले गया है मैं भी कुछ ले जाऊंगा। और मैं भी। हे सुनियो, हम किस रास्ते से आए थे? शायद इस रास्ते से। जियान और सुनियो बहुत पीछे होंगे। ये बहुत डरावना है। अगर मैं कोशिश करूं तो उसे शायद पार कर सकता हूं। या फिर नहीं। भागो। कितनी बड़ी नदी है, रास्ता यही खत्म होता है। अब हमें क्या करना चाहिए? नदी पार करने का कोई तो रास्ता होगा। नाव में जाने का किराया दो। किराया देना पड़ेगा? क्या इतना काफी होगा? क्या मुझे भी किराया देना होगा? मुझे माफ करना पर मुझे आगे बढ़ना ही होगा। क्या ये नहीं हो सकता? ये बात तो गलत है, तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। कोई बात नहीं, मैं जाकर अपने पैसे लेकर आता हूँ। अरे नहीं। मुझे इतना लालची नहीं बनना चाहिए था। तुमने सही कहा। हे, क्या हम अभी तक सड़क के पास नहीं पहुँचे? शायद हम गलत रास्ते पर हैं। सॉरी। ये कैसी आवाज है? आवाज उस तरफ से आ रही है, भागो सुनियो। चलो शुक्रिया, रास्ता मिल गया। हे नोबिता, रुक जाओ। सब लोग बहुत देर लगा रहे हैं। डोरेमोन, इन सबको आने में कितनी देर लगेगी? मेरे ख्याल से नोबिता और उसके दोस्तों का आने का वक्त हो गया है। उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। आप यहाँ कैसे फंसे? क्या तुम एक मुसाफिर हो? मैंने जरूरत से ज्यादा खा लिया और मैं यहाँ फंस गया। क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ जरूर। तुमने मेरी जान बचाई, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हें ये तलवार देता हूँ, ड्रैगन से लड़ने में ये तुम्हारी मदद करेगी। अरे वाह, कितनी बढ़िया तलवार है। एक ढाल। ये तुम पर खूब जचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी पूरी कोशिश करना। एक मछली। प्लीज सर, मेरी मदद कीजिए, मुझे वापस पानी में डाल दीजिए। हाँ जरूर। ये लो, अब जरा संभल कर तैरना, ठीक है? मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये पंख अपने साथ ले जाओ, इनकी मदद से तुम ड्रैगन से अच्छी तरह लड़ पाओगे। अब ड्रैगन से तुम्हारी जान को कोई भी खतरा नहीं होगा। हाँ, क्या सचमुच? ये तो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गया है, अब हम फंस गए हैं। अब हम क्या करें?
अगर मुझे पता होता ये गेम इतना खतरनाक है तो मैं इसे कभी भी नहीं खेलता। डेकी सुगी ने ये किया। अजीब बात है, ऐसा लगता है मैं कुछ भूल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं अपने साथ डोरेमोन का स्पेयर पॉकेट लेकर आया हूँ। हे नोबिता, तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? क्यों नहीं बताई? मैं भूल गया था। ओ अच्छा, चलो ये बहुत अच्छा हुआ, अब हम सीधे शिजुका के पास जा सकते हैं। नोबिता, शिजुका उसे कैसल में कैद है। जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं जीत गया, अब मैं जाकर शिजुका को बचा सकता हूँ। अब गेम खत्म होने का वक्त हो गया है, अब मैं इसे खोल देता हूँ। हाँ, इस गेम का विनर है डेकी सुगी। पर बाकी सब लोग कहाँ हैं? उस पत्थर के नीचे। हाँ? मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है, अगर चीटिंग करोगे तो ऐसा ही होगा। क्या मुसीबत है?